वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। कांकेर जिले के माड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सभी के शव बरामद भी कर लिए गए हैं। इनमें नक्सली लीडर शंकर राव भी शामिल है। साथ ही इस मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि जिला कांकेर छोटे बिछिया क्षेत्र के अंतर्गत आपटोला के जंगल में डीआरजी बीएसएफ और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 जवान घायल भी हुए हैं। उनका उपचार किया जा रहा है, खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने सभी जवानों और सुरक्षा कर्मियों को बधाई दी। वही भूपेश बघेल के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर भी सीएम ने बयान दिया है। आज दोपहर लगभग 2 बजे जिला कांकेर के थाना छोटे बेटिया क्षेत्रांतर्गत बिना गुंडा एवं कोरोनार के मध्य आपाटोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। माओवादी लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते और हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हिंसात्मक गतिविधि से प्रभावित करते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही लगता है, शायद माओवादी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में थे। मुठभेड़ का क्षेत्र बस्तर और कांकेर दोनों लोकसभा क्षेत्र के नजदीक है और बस्तर में तो 2 दिन बाद ही 19 अप्रैल को चुनाव है और कल शाम को चुनाव प्रचार बंद भी हो जाएगा।